बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में संचालित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच को सील करने के आदेश पर शाखा प्रबंधक गगन बिहारी ने बताया कि फिलहाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्टेट बैंक का लीज एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गई थी। 5 साल पर लीज एग्रीमेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा रिन्यूअल करा ली जाती थी, लेकिन वर्ष 2018 में लीज एग्रीमेंट किन्हीं कारणों से लीज एग्रीमेंट कराने में विलम्ब हुआ है, जिसके बाद इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लीज एग्रीमेंट को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों से भी बातें चल रही है। वहीं शाखा प्रबंधक गगन बिहारी ने बताया कि बैंक शाखा के सील करने की जो बातें सामने आई है वह बिल्कुल गलत है और हमारी बातें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से चल रही है। हमने इस मामले को लेकर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। शाखा को 15 दिनों का समय दिया गया है। जिला प्रशासन और BSEB के अधिकारियों से बात चल रही है। एक्चुअली ये लीज नवीनीकरण का मामला है। 2018 में लीज एक्सपायर किया था और हम लोग इसके लिए प्रयासरत थे कि लीज रिन्यू हो जाए, बट लीज रिन्यू नहीं हुआ। उनके तरफ से कोई पहल नहीं हुए। हम लोग तो बराबर रेगुलरली पहल करते रहे इस संबंध में। SDM साहब का आदेश आया था कि विदिन 15 डेज खाली कर दिया जाए, तो चूँकि बैंकिंग संस्था है तुरंत में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बातचीत भी किए इस संबंध में। जो भी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं BSEB के, इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब, मिलने जुलने कोशिश की, हम लोगों ने मिले भी, बात भी की और फर्दर कोर्ट के भी शरण में गए हैं कि थोड़ा वक्त दिया जाए। क्या बैंक को सील करने की कार्रवाई की गई आज? नहीं, आज सीलिंग की कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने, चूँकि यहाँ ADM लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी 2 मजिस्ट्रेट आए थे, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि चूँकि ये कोर्ट के सब जुडिश है तो इसलिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। समय मिला। तो क्या बैंक प्रबंधन अब लीज को नवीनीकरण करवाएगा? हम लोग तो हमेशा तैयार हैं।